सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा परम धाम से उतरकर निराकार ज्योतिबिंदु शिव हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी, जितने भी विकार हैं हमारे अंदर वो सारे निकल जाएगी और खुशबू इत्र की तरह हम महकने लगेंगे, अर्थात पवित्रता सुख शांति हमारे जीवन में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले बच्चे फूल व परवाने कौन हैं? सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, शम्मा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। बाबा ने आज गीत याद किए हैं, बहुत प्यारा सा। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा। भगत परवाने कहो वा फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ पहनकर चले जाते हैं, शम्मा को भूल जाते हैं। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहां तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया है यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी, वो सभी खुश रहेंगे और उनको भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे, पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं, अथवा ईश्वरीय औलाद हैं। कोई साहूकार है किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं, बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही मां बाप याद रहते हैं, गरीब भूल जाएंगे। जानते हैं हमारे मां बाप गरीब है, परंतु याद साहूकार मां बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु संन्यासी आदि हैं, वो साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाएं, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे, तभी हमको फिर से नई दुनिया में जाना है और भगवान स्वयं ईश्वर हमको इसीलिए ज्ञान रत्न से श्रृंगार कर रहे हैं। सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं कि ज्योति में समा जाएंगे, बाबा कहते हैं इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे, अभी हमको जाना, समाना नहीं है, घर जाना। सब तम प्रधान बन जाते हैं कलयुग का अंत में,
इस कलप में संगम पर आता हूं। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। यह जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूं। मैं युगे युगे ही नहीं आता हूं। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबर बार है, कोई जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। भागवत श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो और कोई नहीं। ऐसे नहीं कि वो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तभी तो मैं आकर देवी देवता धर्म स्थापना करूं। यह एक बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं हम बच्चों को। इसलिए बाबा कहते श्रीमत पर चलो। जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो दुनिया वाले तो समझते हैं आत्मा निर्लभ है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं हम बच्चों को कि मंजिल बहुत भारी है, पुरुषार्थ करते रहो। अभी तुम जानते हो ऊंचे तेऊंच कौन है। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबर बार कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे देह अभिमानी छोड़ो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो बाबा को। बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप देते हैं, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। दुनिया वाले क्या क्या कह देते हैं, मेरी किस्मत फूटी क्यों बनाया, ऐसे क्यों बनाया, लेकिन भगवान कहते हैं मैं किसी को दुख नहीं देता हूं। भगते दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपये हैं, उनमें से 20-25 पैसे देता हूं। साहूकार 50,000 दे तो इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब नवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलता क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों का धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहां गरीब वहां साहूकार बन जाते हैं। सतयुग में कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें, बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे, यह मकान आदि सब तुम बच्चों के लिए बनाए हैं। यह किसी की जागीर नहीं, यह तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहां आकर रहना है। हमारी यादगार भी यहां है तो पिछाड़ी में यहां आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे, वही भागेंगे आएंगे रहेंगे, उनको मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहां वेठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, वैसे यहां बैठ के संसार की विनाश देखना है। लेकिन तब जब हम योग युक्त होंगे, बाबा कहते हैं जैसे वैकुंठ में बैठे हो, बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय की बात विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बन जाएंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चों को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूं। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूं, जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। ज्ञान योग जो करेगा वह प्रफुल्लित रहेगा। यह बड़ी ऊंची मंजिल है, बुद्धि में रहना चाहिए कि हम इस अर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करता हूं। अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। नींद को जीतने वाला बनना है
रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, माया के नलस से इनोसेंट और ज्ञान सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सती की आत्माएं विकारों की बातों की नलस से इनोसेंट होती है, वही संस्कार स्वस्थ स्मृति में रहे तो माया की नलस से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा को स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में पिघन डालती है। तो अंदर की अशुद्धि को संपूर्ण खत्म करना है, परमात्मा की याद से शुद्धता धारण करनी है, अन्न शुद्ध रखना है, व्यवहार शुद्ध रखना है, तो ऑटोमेटिक अपनी अंदर की अशुद्धि खत्म हो जाएगी। तो आज के मुरली के अनुसार हम सौ मान लेंगे, मैं मास्टर परम पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर परम पवित्र आत्मा हूं। आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए शिव बाबा की याद में निरंतर रहना है, क्योंकि याद की शक्ति से हम संसार को सुख शांति आनंद पवित्रता की खुशबू दे सकते हैं। मुस्कुराते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।